सबसे पहले देश में प्रयास हुआ था 1962 में, फिर 1980 में प्रयास हुआ, 1984 में प्रयास हुआ, 2005 में प्रयास हुआ, 2007 में प्रयास हुआ, 2011 में भी ट्राई किया। जब नियत और नीति दोनों साफ होते हैं, स्पष्ट होते हैं, तो सक्सेस मिलती है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया कि भारत की पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब आज अप्रूव हुई। बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन होगा और जैसा आपने माइक्रॉन के केस में देखा था, विद इन 90 डेज एक्चुअल कंस्ट्रक्शन आरंभ हो गया जमीन पे, वैसा ही टारगेट लेके चलेंगे, 100 दिन के अंदर अंदर इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन आरंभ करेंगे। साथियों, जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन प्रधानमंत्री जी ने 2021 15 दिसंबर को कैबिनेट में अप्रूव किया था, उसके तहत एक प्लांट माइक्रॉन का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, एक ये फैब अप्रूव हुई, साथ ही साथ दो और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए सेमीकंडक्टर यूनिट के। हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट पे प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस दिया अपने करीब 10 वर्ष के इस कार्यकाल में, 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट गए, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी की क्रांति लाए, ऑप्टिकल फाइबर हो, रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट्स हो, और आज प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है नॉर्थ ईस्ट में आसाम में पहला सेमीकंडक्टर यूनिट, देश का तीसरा सेमीकंडक्टर यूनिट, आसाम का पहला, नॉर्थ ईस्ट का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट। ये यूनिट साथियों टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड टीसैक्ट ये कंपनी लगा रही है, 27,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत लार्ज स्केल पे इसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगी और दुनिया के बहुत बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में मेड इन इंडिया, मेड इन असम चिप्स जाके लगेंगी। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में ये चिप्स लगेंगी। ये चिप्स, इस प्लांट की कैपेसिटी भी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 48 मिलियन चिप्स पर डे, 48 मिलियन यानी करीब 4,80,00,000 पर डे। बहुत बड़ा प्लांट बनेगा ये, बहुत बड़ी कैपेसिटी का प्लांट बनेगा। इसका भी भूमि पूजन जल्दी होगा और 100 दिन के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। आप सब जानते हैं साथियों, नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट की बात जब करते थे, कभी उसमें टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हुई थी। ये मोदी जी ने ही सारी प्रथा बदली और आज नॉर्थ ईस्ट में भी एक बहुत ही हाईटेक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्लांट अप्रूव हुआ है। तीसरा प्लांट गुजरात के सानंद में सीजी पावर का प्लांट ये लगेगा। इस प्लांट की बहुत बड़ी विशेषता ये है, जो बहुत नीच सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस, स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाई परफॉर्मेंस वाली ट्रेन्स, जैसे हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ये जितने भी नीश प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही जो स्पेशलाइज्ड चिप्स बननी है, उन चिप्स का प्रोडक्शन जापान की रेनेसा, RENESAS, जापान की रेनेसा कंपनी के साथ मिलकर सीजी पावर और रेनेसा मिलकर सानंद में प्लांट लगाएंगे। इस प्लांट में करीब 15 मिलियन चिप्स पर डे की कैपेसिटी से मैन्युफैक्चर होगी।
खबरों की दुनिया में एक क्रांतिकारी उड़ान के लिए रिपब्लिक वर्ड ऐप के साथ तैयार हो जाएं। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि देश दुनिया की हर खबर को आपकी उंगलियों में हर समय अपडेट रखने का माध्यम है। हम सिर्फ एक न्यूज ऐप लेकर नहीं आ रहे हैं बल्कि हम रिपब्लिक टीवी में न्यूज के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, और मैं आपको रिपब्लिक वर्ड ऐप ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। रिपब्लिक वर्ड मोबाइल ऐप में ब्रेकिंग न्यूज की शक्ति के साथ प्रभावशाली प्रोग्राम की धड़कनों का सार है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें खबरों का खजाना मौजूद है। रिपब्लिक वर्ड ऐप अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर मौजूद है।